मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आपके इसी हल्के से वजीर आजम बने, वो चौथी बार बनाएंगे, तीन दफा तो बना दिया आपने। नहीं भाईजान, कभी भी बनाएंगे, इमरान खान को बनाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने। इतने नाराज हो गए? नाराज क्या हो गए, इन्होंने किया ही कुछ नहीं भाई, हमें पुल 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 लगे बनाए, आवाम के लिए काम करो। जो अभी एक छोटा भाई भाग गया जी, मैं कपड़े बेच के तुम खुवाऊंगा, कपड़े भी साढ़े नाल ही लै गए, आपके भी लेके साथ गरीबा के कपड़े साढ़े भी सभी गरीब हैं भाई। आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ के दौर में बहुत महंगाई हुई है? बहुत ज्यादा, जो ये वादा कर गया था ना फजल रहमान से मिल गए डाकू से कि जी असी महंगाई घट करेंगे, ये करेंगे, वो तो वही कुछ नहीं हुई, महंगाई डबल हो गई, ट्रिपल हो गई। आप इसी हल्के से दोबारा वोट दे के चौथी बार वजीरे बनाएंगे नवाज शरीफ को? हम बना ही नहीं सकते। क्यों? आज तक किसी ने भी नहीं बनाया। आपके वोट से बने? हमारे वोट से बनते ही नहीं है। आपके पास वोट की ताकत है? और नहीं, यकीन माने, अगर ताकत हो ना तो यकीन करो कि एक रुपया भी ना बढ़े ये पेट्रोल। हाँ, एक रुपया के महंगाई ना हो, अगर मन में इतवाग ही नहीं, हम सबसे गलत आदमी, हम खुद है, हम खुद है, आज आपके साथ है कल उसके साथ है। आपके दोस्त नहीं है वो? ना, कोई दोस्त नहीं, झूठ बोल के तो वो भाग गया था, उसे क्या हमने इस्तकबाल कर, याद है जेल काटो। बीमार तो थे वो? नहीं, बीमार है नहीं जी भाजी, डॉक्टर ही फटा जाना चाहिए जिन्हें हमारे सर्टिफिकेट दिया। ये कह रहे हैं नवाज शरीफ बीमार नहीं थे जब गए? जी सुना नहीं सी सर। ये कह रहे हैं कि बीमार नहीं थे वो? नहीं नहीं, मैं नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं थे। नहीं थे? नहीं थे। आवाम, आपको भी यही लगता है? आजी? बीमार नहीं थे? नहीं, बीमार थे, उनके प्लेटलेट्स कम थे, झूठ हुआ है हर चीज। को हम लोगों ने किया था कि इधर छोड़ दिया था, बीमार तो हम लोग ने ना पागल बनाया है, पागल बनी हुई है। जो चाहता है वो उसको नहीं मिलता है, मुल्क आवाम जो चाहता है वो उसको नहीं मिलता है। अच्छा, अभी अभी 21 अक्टूबर को मियां साहब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, आप जाएंगे इस्तकबाल करने? कोई नहीं। आप? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, कोई भी नहीं जाएगा। रोटी दुनिया दी अगर ना पूरी कोई नहीं हो रही थे ओथे किने जाना जे वो एक ग्वाल मंडी का हल्का, उन्हें हल्का है, फारग हो गया यार, फारग नहीं मुकम्मल फारग। मुल्क की बर्बादी की जिम्मेवार कोई और है? आवाम को जेन में नवाज शरीफ डाला हुआ है, लेकिन नवाज शरीफ दरअसल इस मुल्क का न गद्दार है न इस मुल्क का दुश्मन है, नहीं है, मुल्क की जिम्मेदार और बर्बादी का कोई और है, और हम लोगों के जेन में नवाज शरीफ डाला हुआ है, हम लोगों के जेन में नवाज शरीफ डाला हुआ है। बाबर पीछे हम लोगों की तरह एक मजलूम है, बीमार नहीं थे, मजलूम भी है और बीमार भी नहीं है, नहीं थे, मजबूर होकर गया था, मजबूर होकर गया था। मेरी बात सुने, पॉलिटिकल लीडर की ताकत होती है ये अवाम, तो जब आप ये समझते हैं कि वो मजलूम है तो वो ताकतवर हुए ना? पाकिस्तान में आवाम की ताकत कोई नहीं होता है, बाहर में जाकर होता है मैं मानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में आवाम का ताकत कुछ नहीं होता है, आवाम एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं, लोग और है, पीछे आप देखते नहीं हो ना, कोई नहीं आ रहा। नहीं, आप मेरी बात सुने, आप आवाम खिलौने की तरह क्यों इस्तेमाल होते हैं? आपके पास वोट की ताकत है, इस वोट से वजीर आज़म बनेगा? हमारे मुल्क में अभी तक वोट की हमारे इख्तियार के मुताबिक कोई आया नहीं हुआ है, हमारा असेंबली, हमारा पार्लियामेंट, हमारा असेंबली अपने इख्तियार से नहीं है, ना हमने इख्तियार फैलाया है, न वो हमारे इख्तियार में है, कुछ नहीं है, हम लोग। अच्छा, मेरी बात सुने, मैं आपको ना आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि हमने तीन दफा नवाज शरीफ को भी बतौर वजीर आज़म देखा, 16 माह शहबाज शरीफ के भी देख लिए, अब तीन ऑप्शन है कि अगर आपको नून लीग में से किसी को वजीर आज़म चुनना हो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या मरियम नवाज, आप किसको चुनेंगे? मैं किसी को भी नहीं चाहता हूँ, मैं किसी को भी नहीं चाहता हूँ, किसी को मरियम साहब, मरियम नवाज नहीं क्या दे, मरियम नवाज नहीं क्या दे, नौजवान जैसे मरियम नवाज को वोट नहीं देंगे? किसी को भी नहीं, आपकी तरह यंग है, किसी को भी, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं, किसी को भी इधर आ जाए, इसी तरह नेक्स्ट टाइम में यही कहते हैं कि हम आएंगे, सस्ता करेंगे, ये करें, अगर ये इन्होंने इधर रहना होता सारा कुछ तो इनका बाहर है, ये आगे इधर नहीं रहे, अब ये 16 माह की हुकूमत इनकी नहीं थी, ऐसे ड्रामा बनाया हुआ है, तबाही हो गई है, हम आएंगे करेंगे, नवाज शरीफ सलूशन है, कोई सलूशन नहीं है। मैं एक जमहूरियत पसंद हूँ और मैं ये समझता हूँ ये अवाम गुलाम नहीं है, आप नहीं हो सकते गुलाम है, ये अवाम गुलाम है, किसी की भी मंजूर नहीं है, बहुत सारी सोशल मीडिया के जरिए डेमोक्रेसी परवान चल रही है, अब गुलामी किसी की नहीं चलेगी, चाहे नवाज शरीफ सियासतदानों की हो
जजों की हो या किसी और एस्टेब्लिशमेंट की हो, गुलामी किसी की नहीं चलेगी। वोट की ताकत पे बात होगी इंशाल्लाह, वोट की ताकत पे ही होगी। वोट 21 अक्टूबर के बाद नवाज शरीफ को देंगे? नहीं, नवाज शरीफ का वोट नहीं है। जो मुल्क को छोड़कर जाए वो मुल्क का नहीं है, उसको वोट नहीं मिलेगा। जो मुल्क में रहेगा, चाहे आगे धांधली होती है फिर धांधली हो जाएगी, वोट उसका होगा। जो मुल्क में रहेगा, जो मुल्क में रहेगा, उनके 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 भाई, उनकी बेटी यही मुल्क में रहेगी। ये फारिग है, सब सब फारिग है, ये इनको कुछ नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, आने वाला कोई उम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद नहीं है, ये हमसे उम्मीद भी ना रखे।